पाँच महीने बाद आज से स्कूलों में पढ़ाई शुरू। अभिभावकों की अनुमति से स्कूल आए छात्र छात्राएं। 40 और मरीज कोरोना पॉजिटिव आए, 23 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। और कलेक्टर ने किया बहिया रोड के मरम्मत कार्य का निरीक्षण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बालाघाट में अनलॉक 4 में प्रदेश में अब 9वीं से 12वीं तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल सोमवार से शुरू कर दिए गए हैं। स्कूल आने वाले सभी विद्यार्थियों शिक्षकों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। छात्र छात्राओं को हैंड सैनिटाइज करने मास्क पहनना अनिवार्य होगा। डाउट क्लियरिंग क्लास 2 से 3 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी। स्कूल में शिक्षक 2 पालियों में कक्षाएं लगा सकेंगे। पहली पाली सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक क्लास ले सकेंगे। शिक्षक और छात्र छात्राओं के बीच कोई भी सामग्री टिफिन पेन कॉपी आदि सामग्री साझा नहीं करेंगे। हमारे शासन की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमको स्कूल में बच्चों के उनको परामर्श के लिए बुलाया जाना है जिन और ये स्वैच्छिक होगा। हम हर क्लास जैसे है उसमें हम 3 ग्रुप या 4 ग्रुप में बच्चों को बांट रहे हैं संख्या के आधार पर। एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 बच्चे रहे, 16-17 बच्चे रहे और उन बच्चों को बुलाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 बच्चे या 15 बच्चे अगर। बालाघाट जिले के 46 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 23 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 20 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 290 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 3 मरीज नगरी क्षेत्र बालाघाट के हैं। इनमें वार्ड नंबर 32 की 50 वर्षीय महिला, 58 वर्षीय पुरुष और भटेरा चौकी की 30 वर्षीय महिला शामिल है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगली बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है और कुछ मरीजों को होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 23 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 20 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब कुल 767 मरीज कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 290 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 467 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। पिछले दिनों हुई अतिवर्षा के कारण बालाघाट से बैहर सड़क पर गांगुलपारा और बंजारी के बीच 2 स्थानों पर पहाड़ की मिट्टी और पत्थरों के धसकने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और इस सड़क के मरम्मत और सुधार कार्य के चलते आवागमन को रोक दिया गया है। कलेक्टर दीपाकार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी 21 सितंबर को इस सड़क के मरम्मत और सुधार कार्य का निरीक्षण किया और इस सड़क की स्थिति को देखा। उन्होंने जिन स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उनके सुधार कार्य को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए जिससे बालाघाट बैहर सड़क पर आवागमन शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जिन स्थानों पर सड़क का कटाव हुआ है और वह धसक गई है वहां पर सीमेंट कॉन्क्रीट की दीवार बनाकर कटाव को रोकने की व्यवस्था की जा रही है और वर्षा के दिनों में पहाड़ों से आने वाले पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जा रही है। निरीक्षण के दौरान सड़क विकास प्राधिकरण के संभागीय प्रबंधक गगन भाबर, सहायक महाप्रबंधक दीपक आड़े, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आर पी ठाकरे और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। हाल ही में 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल क्रिकेट लीग प्रतियोगिता शुरू हुई है। ये क्रिकेट प्रतियोगिता के शुरू होते ही बालाघाट शहर ही नहीं बल्कि जिले में ऑनलाइन सट्टा बाजार भी गर्म हो गया है जिससे हर गली और मोहल्ले में ऑनलाइन सट्टा का कारोबार धड़ल्ले से चलने लगा जिससे सटोरियों ने फिर से अपनी किस्मत कोरोना काल में आजमाना शुरू कर दी है जिस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि विगत कई वर्षों से बालाघाट शहर में सफेद पोशाकधारी की आड़ में ऑनलाइन सट्टा बाजार चला जा रहा है। इसके साथ ही आईपीएल मैच के शुरू होते ही धनाढ्य लोगों के द्वारा कई होटलों घरों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने का काम किया जा रहा है। बालाघाट जिला अति नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र होने से आए दिन नक्सली और पुलिस के बीच वारदात की घटना घटित होती रहती है। इसी क्रम में विगत दिनों मलाजखंड थाना अंतर्गत हॉकफोर्स के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने के बाद बादल नामक युवक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को नक्सली बादल गिरफ्तार करने के बाद 21 सितंबर को हॉकफोर्स के जवानों ने सर्चिंग के दौरान कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत खमोड़ी दादर के जंगल में नक्सलियों के द्वारा जमीन के अंदर गड़े डंप को जब्त किया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं 32 लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज,
लेमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32C, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली 32C, समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार, स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा, मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आय और अमृत हर्बल टी अपनाइए जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आय और अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता द्वारा छिंदवाड़ा में SDM के मुंह पर कालिक पोतने का मामला प्रदेश भर में गर्मा गया है, जहां इस घटनाक्रम से खफा राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों ने हड़ताल प्रारंभ कर अधिकारियों ने सोमवार को कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। विगत दिनों जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश के कारण जहां किसान एक ओर खुशी है तो वहीं दूसरी ओर दुखी भी हैं, लेकिन सोमवार की शाम 4 बजे जिले में हुई तेज बारिश से चांगोटोला थाना क्षेत्र के ग्राम बटुआ में आसमानी बिजली गिरने से 35 वर्षीय महिला गोमती कुश्ती की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मृतिका सोमवार को घर के आंगन में जानवरों को बांधने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान तेज बारिश के साथ साथ बिजली की तेज आवाज आई और गोमती कुश्ती के घर पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वारासिवनी के स्थानीय उत्कर्ष सिटी के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में उस समय लोगों की भीड़ जमा हो गई जब एक दुकान के अंदर ईंटों के बीच लगभग 12 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। जैसे ही लोगों के अजगर के निकलने की सूचना मिली, देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया। जागरूक नागरिकों ने तत्काल वन अमले को सूचना दी, लेकिन वन अमला मौके पर पहुंचने में विलंब होने के चलते तब तक नगर के एक युवक द्वारा अजगर को पकड़कर बोरी में बंद कर दिया गया। वन अमले के मौके पर पहुंचने पर बोरी में बंद अजगर को वन अमले को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि अजगर को वन में छोड़ दिया गया है। अपन सुभाष को जानते हैं। कहा गया है कि आज के युग में भगवान तो नहीं है, लेकिन उसका रूप किसी भी रूप में सड़क पर आकर बेसहारा लोगों की सहायता करके उन्हें उनके मंजिल तक भिजवा देता है। इसी तरह का नजारा बालाघाट जिले के ग्राम रजेगांव में एक दंपत्ति के जो अमरावती अपना पेट पालने के लिए गए हुए थे, जहां पर ठेकेदार के द्वारा काम नहीं दिया गया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने से 3 दिन पैदल चलने के बाद रविवार को बालाघाट के रजेगांव पहुंचे, जिन्हें रजेगांव में सुविधा केंद्र नाम से जाने जाने वाले हितेश अजीत के द्वारा जबलपुर बरगी जाने के लिए बस की टिकट बुक कराई और उन्हें अपनी स्वयं की कार से बालाघाट लेकर आए, जो एक मानवता का परिचय दिया और इस युवक को भगवान नहीं बल्कि एक भगवान का रूप ही बोल सकते हैं। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।